दारू और मैं हूँ आराधना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में इस तीन बॉलीवुड रेप्लिका डिजाइनर साड़ीज का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ और इन्हें मैंने परचेज किया था indianrani.com से। इंडियन रानी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स कैसे रिसीव हुए। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पास ही में एक बेल आइकन होगा, उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा सो डेट कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है वो तीनों साड़ी और वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ में इनका रिव्यू शेयर करती हूँ। ये डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है, ऑर्गेंजा सिल्क का मटेरियल है और पूरे साड़ी पे हमें इस तरह की ये रेशम एम्ब्रॉयडरी मिल रही है ब्लैक कलर की, जिसपे स्टोन्स लगे हुए बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, साड़ी की क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है, एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी की हुई है। ये अपर का पार्ट है, अपर के पार्ट में हमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं मिल रही है, पूरी साड़ी पे हमें इस तरह की ये फ्लावर्स बने हुए मिल रहे हैं, प्लस बॉटम में हमें इस तरह का ये बॉर्डर मिल रहा है एम्ब्रॉयडरी का लाइक दिस। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी दी गई है, प्लस इसके ऊपर जो स्टोन्स लगे हुए हैं बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितना ज्यादा अच्छा ब्लिंक कर रहा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा वाला सिल्क नहीं है कि बहुत से ऐसे सिल्क टाइप के मटेरियल होते जो पहनने के बाद फूले फूले से लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी प्लीट्स बहुत ही अच्छी बनती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी साड़ी जो है वो कुछ इस तरह से है लाइक दिस। पूरे साड़ी पे हमें ये एम्ब्रॉयडरी मिल रही है फ्लावर्स की ब्लैक कलर की और बॉटम में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी। इसके बॉटम का जो पैटर्न है ये कटवर्क पैटर्न में है, ये देखिए इस तरह की ये जिगजैग पैटर्न में बना हुआ है फ्रेंड्स लाइक दिस। साड़ी देखने में काफी ज्यादा सुंदर है, बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल है ये साड़ी। साड़ी का पल्लू का पार्ट है फ्रेंड्स, पल्लू के पार्ट में हमें दोनों साइड एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी मिल रही, सेम वही एम्ब्रॉयडरी है जैसा कि हमारे बॉटम में बना हुआ है और बीच बीच में इस तरह की ये फ्लावर्स मिल रहे हैं लाइक दिस। ये देखिए पूरा ओवरऑल फिनिशिंग बहुत अच्छा दिया गया है, कटवर्क पैटर्न में है और एट द एंड ऑफ द साड़ी हमें इस तरह का ये टैसल्स लगा हुआ मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी गई है, टैसल्स के ऊपर ये गोल्डन कलर के बीड्स लगे हुए, स्टोन्स लगे हुए, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए और ये पूरे पल्लू पे हमें ये टैसल्स मिल रहे हैं। ये देखिए साड़ी की जो लेंथ मिल रही पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है और क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी दी हुई है साड़ी की, मुझे ये पसंद आई है और काफी ज्यादा ट्रेंडी साड़ी है बिकॉज काफी लोगों ने मुझे इसका लिंक शेयर किया था रिव्यू के लिए और पर्सनली मुझे भी ये साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा तामझाम हो, सिंपल और ब्यूटीफुल साड़ी है ये। और अब देखते हैं कि इसका ब्लाउज हमें कैसा रिसीव हुआ है। फ्रेंड्स, ये है उसका ब्लाउज, सेम हमें वही ऑर्गेंजा सिल्क का मटेरियल मिल रहा है और वही एम्ब्रॉयडरी मिल रही है जिसपे स्टोन्स लगे हुए हैं। ये हमारे फ्रंट के पार्ट में ये एम्ब्रॉयडरी आएगी और ये दो एम्ब्रॉयडरी हमारे हैंड स्लीव्स के लिए मिल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स लाइक दिस, क्वालिटी अगेन इसकी भी काफी अच्छी दी हुई है, एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग काफी अच्छी दी हुई है, प्लस इनर के लिए हमें अलग से ये टफेटा सिल्क का मटेरियल भी रिसीव हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे। तो बात हुई पहली साड़ी की, अब मैं आप लोगों के साथ में दूसरी वाली साड़ी का रिव्यू शेयर करती हूँ। दूसरी वाली साड़ी जो है वो है ये, और बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्राइट येलो और ग्रीन कलर की साड़ी है, क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी दी हुई है, शिफॉन का मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, टच करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसे। और पूरी साड़ी कैसी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। साड़ी जो है वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया शिफॉन का मटेरियल है, क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मीन्स एकदम ये बॉडी हगिंग मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है। और ये डबल शेडिंग में हमें मिल रही है, अपर के पार्ट में हमें इस तरह का ये ग्रीन शेडिंग मिल रहा है और बॉटम में हमें इस तरह का ये येलो शेडिंग मिल रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है। और पूरे साड़ी के बॉटम में हमें इस तरह का ये बॉर्डर लगा हुआ मिल रहा है फ्लोरल का, फ्लावर्स का। ये देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कि कोई सनफ्लावर हमारी साड़ी पे आके बैठ गया हो, बिल्कुल वैसा लग रहा है। ये देखिए रेशम थ्रेड एम्ब्रॉयडरी से ये फ्लावर्स बनाए गए हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, फिनिशिंग इसकी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और येलो कलर का, ग्रीन कलर का जो येलो फ्लावर्स है उसके ऊपर ग्रीन बॉर्डर दिया हुआ है, ग्रीन फ्लावर के ऊपर येलो बॉर्डर दिया हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और पूरे बॉटम में हमें ये एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, ये देखिए फ्रेंड्स लाइक दिस, पूरे साड़ी के बॉटम में हमें ये इस तरह का बॉर्डर मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे ये। यहाँ से ये हमारे पल्लू का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, पल्लू के पार्ट में हमें ये सेम वही बॉर्डर दोनों तरफ मिल रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से और लाइक दिस, इस तरह से फिनिशिंग बहुत अच्छी दी हुई है। मुझे पर्सनली ये साड़ी भी बहुत ज्यादा पसंद आई है,
ये देखिए, आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा बिकॉज इसका कलर बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग है, बहुत ही प्यारा कलर है। और एट द एंड ऑफ द साड़ी हमें पल्लू पे ये एंड में भी मिल रहा है बॉर्डर, ये देखिए लाइक दिस, यहां से ये बॉर्डर हमें चारों तरफ मिल रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। इसकी भी क्वालिटी उन्होंने बहुत अच्छी प्रोवाइड की, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ मटेरियल है, पूरी 5.5 मीटर की साड़ी रिसीव हो रही है। और अब देखते हैं कि इसका ब्लाउज हमें कैसा रिसीव हुआ है। फ्रेंड्स ये है उसका ब्लाउज, ब्लाउज हमें इसका काफी अट्रैक्टिव मिल रहा है, ये गोल्डन कलर का शिमर का मटेरियल है, ये देखिए फ्रेंड्स लाइक दिस। प्लस ये हमारे फ्रंट के पार्ट का एम्ब्रॉयडरी आएगा, ये देखिए इसमें बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए रेशम थ्रेड के, और सेंटर में इस तरह का ये जरी एम्ब्रॉयडरी किया गया है लाइक दिस। ये देखिए ये जो फ्लावर्स के जो पैचेस बने हुए बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं इस साड़ी के ऊपर, मीन्स ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसकी भी क्वालिटी उन्होंने काफी अच्छी दी है, एम्ब्रॉयडरी की जो फिनिशिंग की गई है बहुत अच्छे तरीके से की गई है, कहीं से भी कोई थ्रेड निकला हुआ नहीं है। और ये वाला पैच हमारे हैंड स्लीव्स के लिए है, ये देखिए। और हमें अलग से ये और मटेरियल रिसीव हो रहा है हमारे बैक साइड के लिए, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी हमारे बैक साइड पे आएगा लाइक दिस, सेम वही एम्ब्रॉयडरी है जैसा कि हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में की गई है बिल्कुल वैसी, और ये दूसरे हैंड स्लीव्स के पार्ट पे आएगी ये वाली एम्ब्रॉयडरी। तो इसका ब्लाउज भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट। फ्रेंड सेकेंड साड़ी भी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, अब देखते हैं कि थर्ड साड़ी कौन सी है। जो थर्ड साड़ी मैंने ली थी वो ये वाली है, और ये रॉयल ब्लू कलर में है, बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर है बिकॉज मैंने सारे कलर डिफरेंट चूज किए थे बिकॉज हमारे पास वैरायटी ऑफ कलर्स होना तो चाहिए ही। तो ये रॉयल ब्लू कलर की साड़ी है, अगेन जॉर्जेट का मटेरियल है, क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, और पूरी साड़ी पे हमें इस तरह का ये बॉर्डर मिल रहा है लाइक दिस। ये देखिए फ्रेंड्स साड़ी जो है वो कुछ इस तरह से, अपर का जो पार्ट है वो पूरा प्लेन है, और बॉटम में हमें इस तरह का ये बॉर्डर लगा हुआ मिल रहा है लाइक दिस। ये देखिए गोल्डन कलर का ये लेस लगा हुआ है, प्लस इसके नीचे ये ब्लैक कलर का वेलवेट का बॉर्डर लगा हुआ है जिसके ऊपर ये रेशम थ्रेड एम्ब्रॉयडरी किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी भी फिनिशिंग काफी अच्छी दी हुई है, ये देखिए, और ये बॉर्डर हमें पूरे साड़ी के बॉटम में मिल रहा है लाइक दिस, ये देखिए। और यहां से ये हमारे पल्लू का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, पल्लू में हमें ये बॉर्डर दोनों तरफ मिल रहा है, अपर के पार्ट में भी और ये बॉटम के पार्ट में भी इस तरह से लाइक दिस। ये देखिए पूरा बॉर्डर सेम वही बॉर्डर है जो कि हमारे साड़ी के बॉटम में लगा हुआ है, ये देखिए। प्लस एट द एंड ऑफ द साड़ी भी हमें ये बॉर्डर रिसीव हो रहा है इस तरह से, ये देखिए चारों तरफ हमें ये बॉर्डर लगा हुआ मिल रहा है। और अब देखते हैं कि इसका ब्लाउज हमें कैसा रिसीव हुआ है। ब्लैक कलर का वेलवेट का मटेरियल है, और पूरे साड़ी पे हमें इस तरह का ये एम्ब्रॉयडरी बना हुआ मिल रहा है, ये देखिए। ये फ्रंट का पार्ट है, ये राउंड नेक पैटर्न में इसका ये बना हुआ है गला, और इस पे ये हमें सेम वही एम्ब्रॉयडरी मिल रही जो कि हमारे साड़ी के बॉटम में बनी हुई है लाइक दिस। ये देखिए इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी है, वेलवेट की जो क्वालिटी प्रोवाइड की बहुत अच्छी प्रोवाइड की, ऐसा नहीं कि कोई चीप मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कहीं से भी कोई थ्रेड निकला हुआ नहीं है, एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग ओवरऑल बहुत अच्छी दी हुई है। और ये हमारे हैंड स्लीव्स पे आएगी ये एम्ब्रॉयडरी लाइक दिस, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और ये दूसरे हैंड स्लीव्स का पार्ट है, ये देखिए। प्लस बैक साइड के लिए हमें अलग से ये और मटेरियल रिसीव हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स ये बैक साइड के लिए रिसीव हो रहा है, और ये भी हमारा वेलवेट का ही मटेरियल है। सो फ्रेंड्स ये थी तीसरी साड़ी, जो कि ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और समझ में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा हैवी साड़ियां पहनना प्रेफर नहीं करते, अगर हमें किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना हो तो हम लाइट वेटेड साड़ी जो कि मतलब काफी ज्यादा हैवी भी ना हो और एट ए टाइम वो एलिगेंट लुक भी दे, तो हम इस तरह की साड़ी डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी भी नहीं है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल है, और एट ए टाइम ये लाइट वेटेड भी है और कंफर्टेबल भी रहेगी। तो समझ के लिए ये साड़ी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, किसी भी फंक्शन में किसी भी पार्टी में हम इन साड़ीज को कैरी कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि पहनने के बाद ये साड़ी कैसी लगती है। Thank you.
डिजाइनर साड़ीज के लिए। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो एक बड़ा सा लाइक देना ना भूले, और हाँ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। सारी लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तीनों में से सबसे ज्यादा आप लोगों को कौन सी साड़ी पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।